हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, ठीक है। मतलब लोगों के लिए एक सबक बनने वाली है, ठीक है। लोगों को इस वीडियो से एक सबक मिलेगा कि अगर आप अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को यूज़ करते हो तो उसमें आपका मतलब आपके साथ क्या होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कहते हैं कि किसी का जो है हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मतलब किसी की मजबूरी का या किसी के फेम का या किसी का भी, किसी भी तरीके से हमें इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और वो भी आप गलत तरीके से जब फ़ायदा उठाते हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। चलो आप एक किसी के लिए अच्छा बोलते हो या किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, ठीक है, उसकी भलाई के बारे में सोचते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चलो भाई, सामने वाले का भी फ़ायदा हो रहा है और हमारा भी फ़ायदा हो रहा है, बट आप केवल अपना फ़ायदा देखते हो, ठीक है। और दूसरों की इमेज की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, दूसरों की आपको धज्जियाँ उड़ा के और आपको पैसा कमाना है, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत होती है। और फिर वही है कि जो कर्मा होता है वो कहीं ना कहीं जो है वापस हमारे पास ही आता है, ठीक है। वो चाहे कैसे भी आए, चाहे उनके, कहते हैं ना कि जो माँ बाप की कर्मों की सजा है, तो कभी कभी वो बच्चे भी भुगतते हैं, ठीक है। एंड सामने वाले को क्या लगता है कि अगर कोई इंसान जिसके बारे में आप बुरा बोल रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में आप वीडियो बना रहे हो गलत सलत चीज़ें डाल के, ठीक है, बोल के, तो उसको लगता है कि अगर उधर से रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो मतलब ये है वो डर गया है, डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो ना, कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर हमें कुछ लोगों का कहते हैं ना जो पक्का वाला इलाज करना है, जिससे कि जो बीमारी है वो जड़ से एकदम ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए क्या हमें थोड़ा जो इलाज है वो अच्छे से करना पड़ता है, ट्रीटमेंट अच्छे से लेना पड़ता है, ठीक है। और हमें अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढना पड़ता है, तो बस वही है चीज़, ठीक है। अच्छा, चलो हम आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें डॉक्टर और ये और वो क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने लखन भैया का ब्लॉग देखा होगा, ठीक है, लखन भाई का ब्लॉग देखा होगा। तो वहाँ वो सपना दी के घर आए हैं, ठीक है, मिलने उनसे। तो मिलने तो खैर वो आए ही थे, और क्योंकि वो अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं तो वो भी देखने आना था, उनको बच्चों से भी मिलना था, ठीक है। तो वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन उनको कुछ काम भी करना था वहाँ के, ठीक है। सपना ही और इन दोनों को कुछ काम करना था, जो कि मतलब लोगों का इलाज, ठीक है। तो यार, आपने देखा होगा जो सपने के चेहरे पे थोड़ी स्माइल थी, वो इंजॉय कर रही थी उस टाइम को, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा टाइम था वो उनके लिए, और मेरे ख्याल से जब से वो जिन चीज़ों से वो जूझ रही थी, उसके बाद वो पहली बार आपने उनके चेहरे पे हंसी देखी होगी, ठीक है। तो वही है ना कि अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है वो हर चीज़ वो भी कर सकती है, मगर वही है ना कि किसी अपने का हाथ अगर आपके सर पे हो तो एक उसकी अलग ही बात होती है, तो आदमी के अंदर क्या है वो हिम्मत आ जाती है। तो आपने देखा है ना जो मोटिवेशनल जो वीडियोस वगैरह आती हैं, तो वो आपने खुद ही आप ये चीज़ महसूस करके देखना कि जब भी आप कोई भी ऐसी मोटिवेट स्पीच आप सुन के देखना या वीडियो देखना, ठीक है, तो उससे क्या है हमारे अंदर भी पता नहीं ऐसा होता है ना कि हाँ ये चीज़ हम भी कर लेंगे, ठीक है, और ये चीज़ आपसे हो सकती है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। तो वहीं ये लखन भैया ने जो है सभी को हमेशा समझाते हैं, हमेशा चीज़ें बताते हैं कि ऐसे तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, और अगर तू कमज़ोर पड़ेगी तो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। तो बहन भाई का जो रिश्ता है इनका बहुत ही ज़्यादा प्योर रिश्ता है, और लखन भाई ने ये चीज़ साबित करके दिखाई है, हमेशा साबित करके दिखाई है। पर लेकिन वही है ना, कुछ लोग अभी भी जो जिनके दिमाग में गंद भरी है या जिनके दिमाग में कीचड़ है, तो वो अभी भी गंद ही लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो लखन भैया है ना, एक भाई का फर्ज पूरी अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कैसे वो चिढ़ा रहे थे सपना दी को, जैसे एक बहन भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, तो सेम वैसे ही वहाँ उस टाइम ऐसा ही लग रहा था। इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो हम भी अपने बचपन में चले गए, जैसे हम अपने बहन भाइयों से लड़ते थे, तो सेम ऐसे ही लग रहा था कि हाँ वो माँ बचपन था वो इनका वापस आ गया।
और कहते हैं ना कि अगर आपको अपना काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो लखन भैया ने सपनाई के लिए वो काम किया है, ठीक है। तो जब वो आए थे तो घूमने भी गए थे ग्वालियर में, काफ़ी जगह जो है उनके जो भाई हैं, सपनाई के भाई हैं, रॉकी भाई, ठीक है, और बस शिवी की फैमिली में कोई और भी था, ठीक है, वो ये सारे लोग घूमने गए थे, मतलब रात में घूमने गए थे, कोई हॉन्टेड जगह भी थी वो भी उन्होंने घुमाई थी, लेकिन वहाँ उनकी जो मस्ती वगैरह वो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा, बाकी में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय हम भी कर रहे थे, और सपनई भी काफ़ी मतलब खुश दिख रही थी, और बच्चे भी काफ़ी खुश थे। सपनई ने बताया भी था कि जो आरोही है वो कभी मतलब इतने टाइम से जब से वो यहाँ आई है तब से उसको मैंने खुश नहीं देखा जितना कि वो उस दिन हो रही थी। तो वही है ना, बच्चों को भी अच्छा लगता है क्योंकि बाहर घूमना उमना, बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को बस आप खाने को अच्छा दे दो, उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा दो, बच्चों को यही चाहिए, उनकी यही लाइफ होती है, खेलने कूदने घूमने की यही लाइफ होती है उनकी। तो बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया, और आंटी वगैरह वो भी साथ में थी, तो काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छा लग रहा था। फिर जो है लखन भैया ने जिस काम के लिए आए थे, ठीक है, जो उनका दूसरा काम था, एक तो घूमने भी आए थे, सपने को देखने आए थे, उनके बच्चों को कि पूरी फैमिली से मिलने आए थे, ठीक है, फिर दूसरा काम जो था जो कि FIR, ठीक है, जो करानी थी, तो वो भी काम था, तो वो भी उनका वो है पूरा हो गया वहाँ काम। और जो FIR है वो किसी एक के मतलब किसी एक के लिए नहीं है, वो उसमें और भी लोग हैं, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना दी के नाम से पेज बना के बैठे हैं, और बल्कि उनका कोई रियल पेज है ही नहीं फेसबुक पे, तो कुछ लोग वो हैं, और कुछ लोग आपको पता ही है जो कि एक बहन भाई के इतने पवित्र रिश्ते पे सवाल उठाते हैं या गंदा संदा बोलते हैं, ठीक है, तो वो तो हैं ही, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपनई के नाम पे मतलब उनके नाम से ही चैनल खोल के बैठे हैं, और सेम जो वीडियो है जैसी कॉपी की और अपने चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, शर्म करो थोड़ी तो मेहनत, चलो ठीक है समझ में आता है यार, इतना भी क्या कि तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी, तुम्हें पैसा भी कमाना है, और पूरी की पूरी वीडियो आप अपने उस पर डाल रहे हो, ठीक है, और उन्हीं के नाम से तुमने चैनल बना रखा है, उन्हीं के नाम से, और फिर चैनल भी चलो ठीक है बना लिया, लेकिन यार ये थोड़ी ना होता है कि आप पूरी की पूरी वीडियो जो है आप सेम वहीं डाल दोगे। तो वही है ना कि आज की डेट में इंसान को मेहनत खुद से नहीं करनी है, सब कुछ उनको मतलब पका पकाया चाहिए, तो वो भी हैं कुछ चैनल, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वीडियो भी बनाना है, उनको पैसे भी कमाना है, बट थंबनेल और वीडियो इतनी गंदी बना रहे हैं, उनके नाम पे इतने गंदे गंदे टाइटल लिख रहे हैं, इतने गंदे गंदे थंबनेल बना रहे हैं, तो उनमें वो भी हैं। एंड सपनई ने इसके लिए काफ़ी बार वॉर्न भी किया था लोगों को कि आप प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना जो आपके चैनल है वो सारे बंद हो जाएंगे, बट वही ना लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों ने सोचा कि अब तो घर से मतलब ससुराल वालों ने भी निकाल दिया और अकेली है तो क्या ही करेगी, इसके पास इतना क्या मतलब, वही ना आदमी यही सोचता है ना कि अकेली है तो क्या ही करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे क्या करेगी, इसे इसका अपना ही कोई ठिकाना नहीं है, तो लोगों ने ये सोचा होगा, वो ऐसा नहीं है, उनके सर पे उनके दो दो भाई का हाथ है, लखन भैया और उनके जो रॉकी भैया हैं वो, ठीक है, आई थिंक उनके दो भाई हैं सपनई के और लखन भैया, तो अकेली तो बिल्कुल भी नहीं है, और क्योंकि उनकी लाइफ में भी अभी इतनी ज़्यादा आपने देखा कि चीज़ें चल रही थी, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए था उन चीज़ों को सेटल करने के लिए, खुद को सेटल करने के लिए, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, और इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रही थी। उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि मैं सारी चीज़ों का जवाब दूंगी, मैं अच्छे से जवाब दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मैं चीज़ें अपनी ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं सबको जवाब दूंगी। तो फाइनली उन्होंने वो करके दिखाया है दोनों बहन भाई ने जो, और एंड वही है ना कि आप इतने पवित्र रिश्ते पर आप अगर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, या उनके करेक्टर पर उंगली उठाओगे तो कोई भी चुप नहीं रहने वाला है, और अगर वही है कि अगर आप चुप हो जाओगे, अगर आप कुछ करते नहीं हो तो लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अगेन एंड अगेन वो चीज़ें करते रहेंगे। तो यहाँ ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, और उन्होंने जो है FIR की कॉपी भी दिखा दी, और बहुत जल्दी जो है ग्वालियर पुलिस है उन्होंने अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए सपना दी ने थैंक यू बोला है ग्वालियर पुलिस को, ठीक है, तो बहुत जल्दी चीज़ें होने वाली हैं, प्रोसेस होने वाला है, और कुछ लोगों के फ़ोन नंबर हैं और एड्रेस भी हैं, बट जिनके एड्रेस नहीं है तो वो
वो भी जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि आज की डेट में कुछ ये बड़ा काम नहीं है किसी का एड्रेस पता लगाना या किसी का कॉन्टेक्ट नंबर पता लगाना, तो वो चीज़ें भी सारी जल्दी सामने आने वाली हैं कि इसमें कौन है, कौन कौन से चैनल जाएंगे, क्या है। तो प्लीज़ ऐसा लालच मत करो और किसी की यार करेक्टर पे उंगली उठा के, ठीक है, और आप पैसे कैसे कमा सकते हो, आप उन पैसों को कैसे अपने अच्छे कामों में कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो बनानी है तो अच्छी वीडियो बना लो, उनके बारे में अच्छा बोलो जो कि हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है कि आपको उनके बारे में मतलब कहते हैं ना कि दिल पे पत्थर रख के आपको चीज़ें झूठ बोलनी पड़ी है, उनकी अच्छाई करनी पड़ी है। नहीं यार, वो अच्छाई लायक हैं, और कैसी अच्छाई आप देखोगे। उन्होंने सब कुछ अपना जो हक था वो सब कुछ छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी अपनी, अपना उनका जो पैसा लगा था वो तक छोड़ दिया उस बंदी ने, तो और कैसी अच्छाई देखोगे आप। जो उनकी तरफ की चीज़ें थी वो भी उन्होंने दिखा दी, ठीक है। और जो लखन भैया का जो रिश्ता है, इन दोनों का इतना प्योर रिश्ता है, आप कैसे किसी बहन भाई के बारे में ऐसे बोल सकते हो। ऐसा एक बहन भाई के रिश्ते के बारे में कोई कैसे गलत बोल सकता है, वो भी लखन भाई जैसे भाई को। फिलहाल चीज़ें जल्दी सामने आने वाली हैं, कैसे क्या होने वाला है। और सपना दी को जो है लखन भाई अपने घर ले गए, तो थोड़ा वहाँ उनका जो है माहौल भी चेंज होगा, थोड़ा हंसेंगी वहाँ सबके साथ में, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है लखन भैया की, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे नीतू भाभी हो, ठीक है, चाहे कीर्ति दी हो, कोई भी हो, उनकी फैमिली में सारे सपोर्टिव हैं और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है। क्योंकि एक वीडियो में जो है भामू आंटी ने बोला भी था कि मैंने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए कि अगर किसी को मदद चाहिए, ठीक है, तो चाहे तुम्हारा अपना काम ख़त्म हो लेकिन तुम सामने वाले की हेल्प करो, ठीक है, कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनकी भी आप हेल्प करो, हर किसी मतलब जो भी दिक्कत में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उन्होंने यही बताया है। और उस चीज़ को ही जो है ये सारे बहन भाई है वो फॉलो करते हैं। ले लो, चाहे आप कीर्ति दी को ले लो, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, नेचर वाइज हर चीज़ में अच्छी है। तो सपना को एक ऐसी फैमिली मिली है कि वो कभी भी उनका जो है साथ है वो कभी छोड़ेंगे नहीं वो लोग, और शायद उनको इसीलिए इतनी हिम्मत मिली है अपना जो सपना ये ना। एंड सपना जी ने अपनी वीडियो में बोला भी था कि जो मुझे हिम्मत मिली है ये सारी चीज़ें करने की, वो मुझे लखन भैया और जो मेरी मतलब मेरे जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, मुझे उनकी वजह से मिली है बहुत सारी। एंड सपना जी ने बोला है कि यूट्यूब फैमिली ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, एंड लखन भैया और मेरी फैमिली। तो वाकई में यार जो उनकी वीडियो आती है बहुत सारे मतलब वही है ना, नेगेटिव जो होते हैं ना, नेगेटिव कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो 10% ही होते हैं। एंड वो भी मुझे ऐसे लगता है जो कमेंट है ना वो करवाए जाते हैं किसी अपने जान पहचान वाले से, कोई रिलेटिव, ऐसा लगता है कि वो करवाए जाते हैं वो कमेंट, और वो भी फेक चैनल्स द्वारा, ठीक है, और ऐसे ही होते हैं वो। और जो सपना की जो लाइफ है वो भी ट्रैक पे आ जाएगी, और बस ऐसे ही दोनों जो बहन भाई हैं उनका प्यार ऐसे ही बना रहे, ठीक है, और ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें चलती रहें। और लोग सबसे अच्छी बात है इन दोनों ने जो स्टेप लिया है ना, लखन भाई और सपना दी ने, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा सबक मिलेगा और हो सकता है कि वो सुधर जाएं, ठीक है, और किसी के बारे में वो गलत चीज़ें ना बोलें, किसी के करेक्टर पे उंगली ना उठाएं, तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। और मैं कहती हूँ यहाँ तक नौबत मत ही आने दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पुलिस के चक्कर लगाओगे, ठीक है, पैसा लगेगा वो अलग, तो उससे अच्छा है कि आप अपना अच्छा कंटेंट बनाओ, किसी के बारे में अच्छा बोल के पैसे कमाओ। उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप मेरे लिए वीडियो मत बनाओ, उन्होंने बोला है कि वीडियो बनाओ बट अच्छा तो बोलो, कम से कम अच्छे थंबनेल लगाओ। उन्होंने इस चीज़ के लिए मना नहीं किया है, लेकिन आप उन्हीं मतलब उन्हीं से आपको पैसे कमाने हैं, उन्हीं के लिए गंदा बोलना है, तो यार कौन कौन सहेगा, नहीं कोई सह सकता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और आपकी क्या राय है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।